पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कुछ साइंटिस्ट की टीम को 20 करोड़ साल पुराना आदि मानव पिकल सुरक्षित हालत में मिला था। उसके जिंदा और ताकतवर होने की खबर फैलते ही दुनिया के सभी महान फाइटर्स उसे मुकाबला करने के लिए मिलिट्री बेस तक घुस जाते हैं। हालांकि कमांडर के गिड़गिड़ाने पर वो सभी वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक कुंफू मास्टर एत्सु ताकुगावा नाम के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर से विनती करके पिकल के साथ मुकाबला तय कर लेता है। शुरुआत में तो एत्सु पिकल का सामना आसानी से कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे पिकल अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है और अंत में उसे हराकर उसका एक पैर और एक कंधा खा जाता है। जब इसके बारे में एत्सु के सौतेले बेटे कात्सुमी को पता चलता है तो वो अपने पिता का बदला लेने के बहाने से पिकल से लड़ने की ठान लेता है। हालांकि उसका इरादा सिर्फ उससे ज्यादा शक्तिशाली इंसान से मुकाबला करना था, लेकिन फिर भी एत्सु उसे अपना सबसे ताकतवर मुंह सुपरसोनिक मैक पंच को सिखाने का फैसला करता है। एत्सु उसे बताता है कि मैक पंच में सिर्फ एक ही व्यक्ति को महारत हासिल है और वो और कोई नहीं बल्कि खुद कुंफू का ग्रैंड मास्टर है। वो चाबुक और गोली की वीडियो स्लो मोशन में देखते हैं ताकि वो आवाज की गति से आगे निकलने के बाद उनके सोनिक बूम को देख सकें। कात्सुमी अपने जोड़ों की मदद से उस पंच की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी वो पिकल को हराने के लिए काफी नहीं होगा। वो अपनी उंगलियों और रीढ़ की पूरी ताकत लगाकर उसमें और तेजी लाना चाहता है। एत्सु उसके अड्डे की तारीफ कर ही रहा होता है कि तभी 142 साल के कुंफू ग्रैंड मास्टर काकुकायो पीछे से आकर उन्हें हैरान कर देते हैं। वो बोलते हैं कि उसने उनके मैक पंच चलाने के तरीके को देख लिया है और अब वो खुद बताएंगे कि एक असली सुपरसोनिक अटैक कैसा दिखाई देता है। वो एत्सु को एक धागे से अंडे की नोक को पकड़ने को कहते हैं और फिर इतनी तेजी से उसे तोड़ने को बोलते हैं कि कोई उसे देख न सके। वो कात्सुमी से सोचने को कहते हैं कि उसके हाथों में अंगीना जोड़े हैं और बताते हैं कि इसी कल्पना की मदद से वो और भी ज्यादा तेजी से हमला कर सकता है। वो कई बार उसे तोड़ने की कोशिश भी करता है और शुरुआत में कई बार नाकाम भी होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो सोचता है कि उसका पूरा शरीर जोड़ों से बना है और तभी एक ही हमले से वो इतना शक्तिशाली सोनिक बूम बनाता है कि अंदर तो दूर की बात ट्रेनिंग रूम की सभी खिड़कियां तक टूट जाती हैं। बाकी को भी उसकी आवाज सुनाई देती है जब वो अपने दोस्त रुमीना के साथ अपनी एडवांस शैडो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा था। स्टार्डम भी वहां होता है और उसे पूछता है कि इस बार वो किससे लड़ने जा रहा है। तभी बाकी अपनी फाइटिंग मेडिटेशन स्टेट में चला जाता है जहां उसकी कल्पना और फाइटिंग स्पिरिट किसी भी दुश्मन को उसे सामने ला सकती है जिसे भी वो लड़ना चाहे, और इस बार उसका अपोनेंट एक टीरेक्स है। कात्सुमी ताकुगावा से उसका और पिकल का मुकाबला तय करवाने को बोलता है और सुबह 6 बजे का मैच एक बेसबॉल स्टेडियम में रख दिया जाता है। वहां जाते वक्त वो जीतने या मरने के लिए पूरी तरह से तैयार था। कात्सुमी अपनी असली माँ और सौतेली माँ से मिलता है और उन्हें गले लगाता है क्योंकि हो सकता है ये आखिरी बार हो जब वो अपने परिवार से मिल रहा है। जब वो मुकाबले के लिए जा रहा होता है तब सोचता है कि वो कितना खुशकिस्मत है कि उसकी दो माएँ हैं। तभी रास्ते में उसे बाकी मिलता है जो टीरेक्स से बुरी तरह से हारने के बाद वहाँ खड़ा था। बाकी को उससे जलन होती है और वो कात्सुमी को ताने मारते हुए बोलता है कि वो कितना किस्मत वाला है कि उसको पिकल से पहले लड़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन वो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है जहाँ उसकी मुलाकात डापो से होती है जो उसे कहता है कि वो ये उम्मीद न रखे कि उसकी फैलाई हुई गंद उसके पिता साफ करेंगे। जैसे ही वो स्टेडियम में घुसता है तो वहाँ की शॉकवेव से हैरान हो जाता है जो कि उन 50,000 स्टूडेंट के पंचे से आ रही थी जो अपने लीडर को चीयर करने के लिए आए थे। कात्सुमी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और स्टेडियम की दूसरी ओर जाने लगता है जहाँ उसे पता था कि पिकल मुकाबले के लिए उसका इंतजार कर रहा है। वह अचानक से उसे सीधा निकलने के इरादे से गेट से बाहर छलांग लगाता है, लेकिन कात्सुमी पल भर में उसकी थोड़ी छाती और जांघों पर मारकर उसे पीछे ढकेल लेता है। लेकिन पिकल फिर से उस पर छलांग लगाता है और वह कराटे मास्टर उसके घोटों का झुंझुना बना देता है और उसके थोड़ी पर अपना घुटना दे मारता है। इन सबसे आदि मानव को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता और उसे एक दमदार लात मारता है, लेकिन कात्सुमी न केवल उसे पहले से पढ़ लेता है बल्कि उसके वार को रोकते हुए एक फुटबॉल की तरह उड़ जाता है। उठते हुए अपने माता पिता के बारे में सोचता है और आदि मानव की मुस्कुराहट को फीका पड़ते हुए देखता है क्योंकि अब उसे खेलने की चीज नहीं बल्कि अपने खाने के रूप में देख रहा था। कात्सुमी पिकल को उसके शिकार की याद दिलाता है और वो यूजीरो की तरह हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। वहाँ मौजूद सभी फाइटर ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या होगा। पिकल पहले हमला करता है और कात्सुमी भी तुरंत पलटवार करते हुए उसे एक सटीक मैक पंच मारता है और आदि मानव को उसका प्रभाव बिल्कुल टीरेक्स की पूंछ की जैसा लगता है। पंच से निकले सोनिक बूम को सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। और जैसे ही पिकल अपने घुटनों पर गिरता है स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ जाती है। आदि मानव ने अपने जीवन में पहली बार ऐसा दर्द महसूस किया था। जैसे ही कात्सुमी खुद पर मैक पंच के प्रभाव के बारे में सोचता है उसे एहसास होता है कि अंडे से ज्यादा सख्त चीज पर इसका इस्तेमाल करने से मारने वाले का हाथ भी टूट जाएगा, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और जैसे ही पिकल उठता है वो सोनिक पंच के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके उसे एक लात और मुक्का मारकर फिर से गिरा देता है। लेकिन दूसरी तरफ कात्सुमी भी जमीन पर गिर जाता है और उसकी दोनों मुट्ठी और एक पैर टूट जाता है क्योंकि इंसानों का शरीर आवाज की गति को चीरने के बाद बरकरार नहीं रह सकता। कात्सुमी ने मुकाबले में अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन पिकल फिर से उठने लगता है और उसे हराने के लिए अपना आखिरी बार करने के लिए तैयार हो जाता है। कात्सुमी स्टेडियम में सभी के हैरान चेहरों को देखता है और फिर से मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाता है क्योंकि अब वो अपना आखिरी मूव दिखाने जा रहा होता है जो उसने अभी तक बचा के रखा था। जैसे ही पिकल उस पर हमला करता है वो अपनी पूरी जान लगाकर अपने शरीर को एक चाबुक की तरह इस्तेमाल करके आदि मानव को उड़ा देता है, लेकिन शानदार मूव को कारगर बनाने के लिए उसे अपने हाथ की कुर्बानी देनी पड़ती है। उसको खोने के बावजूद वो बेहोश पिकल के पास जाता है और अपनी जीत की घोषणा कर देता है। पूरे स्टेडियम में फिर से खुशी की लहर दौड़ जाती है और कात्सुमी उन्हें धन्यवाद देते हुए उनके आगे झुकता है, लेकिन तभी अचानक से उसे पिकल हिलता हुआ महसूस होता है और जब वो पलट कर देखता है तो उसे पता चलता है कि पिकल हारा नहीं है बल्कि वो तो नींद में करवटे ले रहा है। असल में बस वो थोड़ा आराम कर रहा था जैसे कि वो अपने समय में करता था,
क्योंकि कासुमी की हालत को देखने के बाद उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। लेकिन जैसे ही वो जागता है वो रोने लगता है और कासुमी को एहसास हो जाता है कि दुनिया के इतिहास के सबसे ताकतवर आदमी ने उसे सम्मान देने और खाने के योग्य समझ लिया है, इसलिए वो भी रोने लगता है। कासुमी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और वो पिकल को खुद पर हमला करने देता है और खुद को पूरा खा जाने के लिए कहता है। टाकुगावा को पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए वो कासुमी को बचाने के लिए पहले से कई आदमी को बेहोशी की बंदूक लेकर वहां तैनात कर चुका था। लेकिन इससे पहले कि उन्हें शूट करने को बोलता है, डापो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो शूटर को रोक देने तो उसे मुक्का मार देगा। वो चाहता था कि उसका बेटा फक्र से जिए हमारे, और ये तभी हो पाएगा जब वो आदिमाना से किया हुआ वादा पूरा करेगा। दूसरी तरफ आदिमाना हाथ जोड़कर उसके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा होता है, जो कि इंसान तब करते हैं जब वो अपनी भावना को संभाल नहीं पाते। कासुमी की कोशिश और त्याग का सम्मान करने के लिए वो भूखे पेट रहने का फैसला करता है। डॉक्टर्स उसे वहां से ले जाते हैं तो वहीं सभी स्टूडेंट्स उसके आगे झुककर उसका सम्मान करते हैं। हॉल में मौजूद लोगों को भी पिकल को तगड़ी टक्कर देने के लिए उस पर गर्व होता है। अपने एक हाथ के साथ कासुमी हॉस्पिटल में उठता है और उसके सामने बैठा रेत्सु उसे बताता है कि कैसे पिछले मुकाबले की उपलब्धि सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जो एडवांस कुंग-फू और कराटे में अब तक है। तभी बाकी उसे फूल देने आता है और बोलता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो जीत नहीं पाया। रेत्सु गुस्सा जाता है लेकिन कासुमी उसकी बात से सहमत है और बोलता है कि उसने मुकाबले में अपना सब कुछ लगा दिया और अब जहां से उसने छोड़ा है वहां से मुकाबला शुरू करने की जिम्मेदारी बाकी की है। बाकी गुलदस्ते में से कुछ गुलाब की पंखुड़ियां तोड़ लेता है और उसका रस निकालकर कासुमी के चेहरे पर लगाते हुए पिकल को हराने की उसकी दरख्वास्त मान लेता है। वो अपनी स्पेशल ट्रेनिंग करता है लेकिन पिकल को इतनी बार लड़ते हुए देखने के बाद भी वो उसके प्रतिबिंब की कल्पना नहीं कर पा रहा था। रेत्सु ट्रेनिंग रूम में आता है और बोलता है कि ना ही वो और ना ही कासुमी बता सकते हैं कि पिकल असलियत में क्या है, क्योंकि वो उसकी पूरी शक्ति को बाहर ला ही नहीं पाया। बाकी ये सोचकर पागलों की तरह हंसने लगता है कि वो उस इंसान से लड़ने जा रहा है जिसकी ताकत का अंदाजा किसी को भी नहीं है, और उसे कल ही लड़ने का फैसला करता है। लेकिन वो एक कर पाता उससे पहले ही उसका बड़ा भाई जैक पिकल से लड़ने की पहल कर चुका था। पिकल जैक को देखने के लिए खड़ा होता है और उसे महसूस होता है कि वो पिछले दो अपोनेंट से काफी अलग है। जैक बिना इधर उधर की बात किए सीधा उसे एक दमदार मुक्का मारता है, हालांकि उसका कुछ असर नहीं होता। जैक उसके नुकीले दांतों पर फिदा हो जाता है और उसे अपने दांत दिखाता है जो कि नारियल तक को आसानी से तोड़ सकते हैं, और अब उसे पिकल के साथ एक दूसरे को काटने का मुकाबला भी करना है। वो एक दूसरे की तरफ छलांग लगाते हैं और एक रोमांटिक किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी उसका और पिकल का मुकाबला तय करवाने के लिए टाकुगावा को कॉल करता है, जो देरी से कॉल करने के लिए उसे हड़काता है और बताता है कि वहां क्या हो रहा है। बाकी हड़बड़ाने लगता है और फौरन अलीना चला जाता है, जहां पिकल अपनी अद्भुत शक्ति दिखाते हुए जैक का जबड़ा नोच लेता है और उसे सिर्फ अपनी गर्दन की मदद से उठाकर फेंक देता है। आदिमानव उसका मांस चबाने लगता है और निकल जाता है, और जैक पहला राउंड हारने के बावजूद पागलों की तरह हंसने लगता है। लेकिन जैसे ही पिकल दोबारा से उस पर हमला करता है वो एक जोरदार मुक्का मारकर उसके विशाल शरीर को हवा में उड़ा देता है। जैक को समझ आ जाता है कि उसके मुक्के का उस पर कुछ असर नहीं हो रहा है और उसकी मोटी खोपड़ी ने उसके दिमाग को झटका लगने से बचा लिया है। लेकिन ये पिकल को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था और वो अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करते हुए जैक की ओर छलांग लगाता है। तब तक बाकी और रेत्सु भी वहां आ जाते हैं और वो देखते हैं कि जैक ने उस पर पलटवार करते हुए उसे छत से भिड़ दिया है। ये जानने के बाद कि उसका मुकाबला इतने शक्तिशाली इंसान से होने जा रहा है, जैक ने पहले से ही खुद में सबसे भयानक ताकत बढ़ाने वाला स्टेरॉइड इंजेक्ट कर लिया था। पिकल के उठने से पहले ही वो उसके पास चला जाता है और उसका चेहरा स्टैंड पर दे मारता है। जैक उसे उठाता है और अरीना के बीचों बीच फेंक देता है और उसके पास कूद कर जाता है और धड़ाम से उसके मुंह पर लात मार देता है। पिकल के जमीन पे गिरते ही जैक का जमीर भी गिर जाता है और उसके चेहरे को अपने पैरों से कुचल देता है। वो पिकल को उठाता है और अब तक की हुई सारी डोपिंग, बोन स्ट्रेंथनिंग सर्जरी और ओवर ट्रेनिंग के बारे में सोचने लगता है, जो सिर्फ उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए की थी। आदिमानव दंग रह जाता है और तभी जैक उसके कान को नोच कर उस पर थूक देता है। अपने शरीर के एक अंग को खोने के बाद पिकल आग बबूला हो जाता है, हालांकि जैक फिर भी नहीं रुकता, उसे एक मुक्का मार देता है। लेकिन इस बार पिकल को मुक्का नहीं लगता और सिर्फ ताली बजने की आवाज आती है और धूल दिखाई देती है। जैक फिर से उस पर हमला करता है लेकिन दोबारा से वही होता है। ऐसा लग रहा था कि पिकल सिर्फ अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, लेकिन आसपास की टूटी हुई खिड़कियों को देखने के बाद जैक को समझ आता है कि पिकल अपनी जगह से हट रहा था और कूद कर फिर से अपनी जगह वापस आ जा रहा था, और वो ये सब इतनी तेज कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो शुरुआत से वहीं पर खड़ा हुआ है। जैक उसी काबिलियत को देखकर दंग रह जाता है और उसे समझ आ जाता है कि वो एक इंसान से नहीं बल्कि एक जानवर से लड़ रहा है जो कि सभी डायनासोर से ज्यादा ताकतवर है। वो दोबारा से भिड़ते हैं और जैक पिकल को मुक्का मारता है, लेकिन पिकल जरा सा भी नहीं हिलता बल्कि उल्टा जैक को मुक्का मारकर उसका दिमाग झिझोड़ लेता है। जैक हवा में उड़ जाता है और फिर पिकल लगातार उसे मुक्के मारने लगता है और उसे जमीन को छूने भी नहीं देता। वो फैन से टकरा जाता है और ये देखने के बाद कि अब उसका अपोनेंट लड़ नहीं सकता, पिकल अपनी जीत पर नाचने लगता है लेकिन तुरंत ही रोने लगता है, जिससे जाहिर था कि वो अब जैक को खाने वाला है। पिकल उसकी तरफ जाता है और बाकी बीच में आकर अपने भाई को बचाने का फैसला करता है, लेकिन तभी पिकल को जैक में एक जहरीली डंक वाली मक्खी का आभास होता है और वो उसे बिना खाए पीछे हट जाता है। 19 करोड़ 20 साल पहले जब पिकल बच्चा था तब उसने पहली बार बहुत मुश्किल से एक मधुमक्खी को हराया था, लेकिन उसको खाने के बाद उसके जहर के फैलते ही उसे जैसा दर्द महसूस हुआ था उससे ज्यादा दर्द उसे आज तक नहीं हुआ। उस दिन उसे पता चला था कि कुछ चीजें मरने के बाद भी खत्म नहीं होती और जैक भी उन्हीं में से एक है। टाकुगावा जैक के पास ये सोच कर जाता है कि बेहोश होने के बाद वो लड़ नहीं सकता, लेकिन उसे छूने की गलती कर देता है, जिस वजह से बेहोश जैक तुरंत अनजाने में उस पर अपने दोनों हाथों से हमला करता है।
ये बार उसने पिकल के दिमाग को मसलने के लिए बचा रखा था और ताकोगावा का कद छोटा होने की वजह से वो बच गया। जैक ने अपने शरीर को किसी से भी हारने के बाद इस मूव का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेन किया था। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और एक जीनियस डॉक्टर जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट भी है उसका इलाज करता है। और ताकोगावा सस्ते आइंस्टाइन को बताता है कि कैसे कुछ अद्भुत लोग बेहोश होने के बाद या फिर मरने के बाद भी हलचल कर सकते हैं। वो उन्हें एक सच्ची घटना के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी नर्स दौड़कर वहां आती है और उन्हें बताती है कि जैक हॉस्पिटल से भाग गया है। दूसरी तरफ जैक सीधा अरीना में आकर बीच में लड़ाई छोड़ने के लिए पिकल से माफी मांगता है और सीधा उसके चेहरे पर लाते बरसाने लगता है। आदिमानव तुरंत मुड़कर वहां से भागने लगता है, इसलिए नहीं कि उसकी किक से उसे चोट लग रही थी बल्कि इसलिए कि वो अपने सामने खड़े वैसी दरिंदे से डर गया था। असल में पिकल को प्रकृति का ये नियम मालूम था कि मरने के बाद चीजें थम जाती हैं, लेकिन जैक ने उस नियम का पालन नहीं किया और वो उसके सामने जिंदा खड़ा है जिस वजह से वो उसे डर रहा है। लेकिन पिकल के अंदर बैठे योद्धा को जागने में ज्यादा देर नहीं लगती और खुले में आते ही वो पीछे मुड़ता है और उसका सामना करने का फैसला करता है। पिकल के एक ही मुक्के में जैक चक्री की तरह घूमने लगता है और गिरते ही कोमा में चला जाता है। एक ही दिन में दो बार हारने के बाद जैक हॉस्पिटल में उठता है और फौरन तीसरी बार हारने के लिए भागने लगता है, लेकिन इस बार बाकी उसे रोकता है और बताता है कि पिकल ने उसे हराने के बाद एक ऊंची इमारत पर चढ़कर उसे बाद में खाने के लिए टांग दिया था। जैक ये सुनकर बौखला जाता है कि पिकल ने सिर्फ उसे अपने नाश्ते के लिए बचा रखा था और उसे समझ आ जाता है कि वो कभी पिकल की टक्कर का था ही नहीं।